तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सच्ची सहेली सिरप के बारे में। सो दोस्तों, ये जानेंगे कि इस सच्ची सहेली सिरप के यूज़ क्या होते हैं, इसका डोज किस प्रकार से लिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और मार्केट में इसके प्राइस क्या होते हैं। सो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सच्ची सहेली का यूज़ जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही करवाया जाता है। और दोस्तों, बात करें हम इसके यूज़ के बारे में, तो इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बात करें दोस्तों हम सच्ची सहेली के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसमें 100% प्योर जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें अर्जुन होता है, अशोक होता है, शतावरी होता है और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं। और दोस्तों, बात करें हम इसके यूज़ के बारे में, तो महिलाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल सिरप होती है, जैसे कि इसका यूज़ जो है आयरन को बूस्टअप करवाने के लिए भी महिलाएं कर सकती हैं। यदि महिलाओं को बांझपन वाली प्रॉब्लम है, उन्हें जो है गर्भ में बेबी नहीं ठहर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सच्ची सहेली का यूज कर सकती हैं। और दोस्तों, इसका यूज़ जो है वीकनेस के दौरान जो है महिलाओं को यदि कमज़ोरी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकती हैं। यदि महिलाओं में हृदय संबंधित डिजीज़ हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। और दोस्तों, सच्ची सहेली का यूज़ जो है महिलाओं में, यदि महिलाओं को हार्मोन इम्बैलेंस के कारण उन्हें पीरियड्स में पेन होता है, या फिर समय में पीरियड्स नहीं हो रहा है, या फिर पीरियड्स का टाइम जो है बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और गैस, सच्ची सहेली के कुछ और भी यूजेज होते हैं, जैसे कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को यूज में लिया जा सकता है। यदि महिलाओं को खून की कमी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि महिलाओं को हाथ पैर में जलन होती है, तो उस सिचुएशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। यदि महिलाओं को पेशाब मार्ग में जलन हो रही है, तो भी आप इसका यूज कर सकती हैं। यदि महिलाओं को थोड़ा बहुत गैस्ट्रस प्रॉब्लम है, फोलिक एसिड की कमी है, आयरन की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सच्ची सहेली का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें दोस्तों सच्ची सहेली सिरप के डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है वो 2 ढक्कन सुबह में और 2 ढक्कन शाम में लेना होता है, यानी 2 चम्मच सुबह में और 2 चम्मच शाम में लिया जाता है। और गाइस, बात करें हम यदि इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में, तो कुछ इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिट या फिर कुछ लोगों को एब्डोमेन पेन होने लगता है। बट दोस्तों, आपको बता दूं कि यह 100% प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है और इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो बहुत ही कम कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कुछ लोगों के डाउट्स और सवाल के बारे में। दोस्तों, कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि इस सिरप का यूज़ क्या हम प्रेग्नेंट लेडी को करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि इसका यूज़ जो है गर्भवती महिलाओं को नहीं करवाया जाता। गर्भ से पहले आप इसका यूज कर सकते हैं, बट यदि आपको पेट में बेबी है या फिर यूँ कहें कि आप जो है प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप का यूज नहीं कर सकते। और गाइस, आपसे बता दूं कि इस सिरप का यूज जो है आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं, यानी इस सिरप का यूज करने के लिए आपको डॉक्टर सलाह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों